वालेकुम वेलकम टू एमसीक्यूज हम आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैंडिडेट कोर्स एल सी सी ट्वेंटी फिफ्थ का सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ यू ऑल नो 12 जून से लेके 9 जुलाई तक आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन है आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा सकती हैं अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर रजिस्ट्रेशन की डेट जैसे कि मैंने आपको बताया ट्वेल्ल जून से लेकर कर नाइन जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके जो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो फिफ्टीन जुलाई से लेकर कर ट्वेंटी फोर्थ जुलाई तक आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे ठीक है और उसके अलावा नेशनैलिटी आपकी अगर पाकिस्तानी है तो आप अप्लाई कर सकती हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपऑन फाइनल सेलेक्शन कैंडिडेट विद डूल नेशनैलिटी ठीक है अगर किसी कैंडिडेट के पास डूल नेशनैलिटी है फॉरेन की भी नेशनैलिटी है और पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी है तो उनको सरेंडर करनी पड़ेगी अदर नेशनैलिटी अदर दैन पाकिस्तान की नेशनैलिटी के अलावा जो भी उनके पास नेशनैलिटी होगी उन्हें सरेंडर करनी पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एज वो आपकी ट्वेंटी एट ईयर्स होनी चाहिए फर्स्ट नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फ़ोर से पहले पहले मैरिटल स्टेटस आपका अन होना चाहिए जेंडर फीमेल के लिए वैकेंसीज ओपन हुई हैं मिनिमम हाइट आपकी फ़ाइव फीट होनी चाहिए जो कि सेंटीमीटर्स में वन फिफ्टी टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर बनती है और वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए अब हम डिस डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से कोर्स में कौन कौन से डिग्री आपकी एलिजिबल हैं कोर ऑफ इंजीनियरिंग में आपने अगर बी ई इन जियो इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकती हैं कोर ऑफ सिग्नल्स में अगर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और प्रेफरेंस किसको MS. E. Telecom को दी जाएगी एम एस डबल ई टेलीकॉम को ठीक है आप आप अप्लाई कर सकती हैं कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने बी ई इन बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है ठीक है कोर ऑफ सिग्नल में या फिर आई सी टी के ओस बी जी से कहते हैं उसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो बी ई या फिर बी एस बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी एम एस इन कंप्यूटर साइंस को ठीक है या फिर आपके पास बी ई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और जो है वो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी एम एस आई एस को ठीक है एविएशन फ़्लीट मैनेजमेंट में आप लोगों की जो कोर है उसमें कौन अप्लाई कर सकता है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एरोस्पेस में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एवियोनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में अगर आपकी डिग्री है बी या बी इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ठीक है तो आप अप्लाई कर सकती हैं और इस दफ़ा आर्मी एजुकेशन कोर में भी वैकेंसीज अवेलेबल हुई हैं अगर आपके पास बी या फिर एम की डिग्री है इंग्लिश में तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं और अगर आपके पास बी या फिर एम मैथमेटिक्स की डिग्री है आपके पास तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं ठीक है थीके? अब बात कर लेते हैं आपका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तो एकेडमिक पोशन में मिनिमम आपका सी जी पी ए टू पॉइंट फाइव होना चाहिए फोर में से या फिर मिनिमम आपकी जो है वो वैकेंसीज होनी चाहिए सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए ठीक है मिनिमम आपके सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए एम फिल और एम एस के अंदर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर किसी कैंडिडेट ने एम फिल या फिर एम एस किया हुआ है तो आपको उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी थर्ड डिवीज़न डिग्री बिल्कुल भी अलाउ नहीं है मतलब कि डी ग्रेड आपका ग्रेड डी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सेकेंड डिवीज़न डिग्री एक हो सकती है आपकी थ्रू आउट द एकेडमिक करियर मतलब अगर आपकी मैट्रिक uh, में जो है वो फर्स्ट डिवीज़न है एफ में आपकी सेकेंड डिवीज़न है तो आपके पास uh, जो है बी में आपके फर्स्ट डिवीज़न ही होने चाहिए सिर्फ एक सेकेंड डिवीज़न डिग्री अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एच या पी ई सी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होंगे वो सिर्फ़ अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और प्राइवेट स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि जैसे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं घर बैठे असाइनमेंट्स लिखते हैं और फिर जाके वहाँ पे पेपर दे जाते हैं वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इस पोजीशन के लिए ठीक है देन इन एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको ट्वाइस स्क्रीन आउट कर दिया गया है आईएसएसबी से तो आप एलिजिबल नहीं हैं परमानेंटली आपको डिक्लेयर कर दिया गया है अनफिट तो आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी निकल आया है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपको मेडिकली अनफिट करार दे दिया गया है आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल से तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपने विदड्रॉ किया है किसी भी अकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मी से तो भी आपको अलाउ नहीं है अगर आपने कोई बॉन्ड एग्रीमेंट तोड़ा है आर्मी का या एयरफोर्स या नेवी किसी भी फोर्सेस का तो आप एलिजिबल नहीं हैं ठीक है थीके। अगर आपको किसी डिसमिस कर दिया है या रिमूव कर दिया है गवर्नमेंट सर्विसेज में से या आर्मी में से भी तो आप एलिजिबल नहीं हैं और अगर आपके पास कोई भी कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं ठीक है थीके? अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की और सिलेक्शन प्रोसीजर की ठीक है जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे उनको बुलाया जाएगा सबसे पहले अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में ठीक है आपको टेस्ट की डेट एलोकेट कर दी जाएगी जो आपने वहाँ पे ईमेल पुट की होगी वहाँ पे भी आ जाएगी और आपने रेगुलरली अपनी जो है रोल नंबर स्लिप को भी देखना है विद इन टू डेज़ फोर्टी फोर्टी एट आवर्स में आपके पास वो रोल नंबर स्लिप जो है वो अपडेट हो जाती है ठीक है उसके बाद आपको जब वहाँ पे बुलाया जाएगा अगर आपने क्लियर कर लिया टेस्ट देन आपका उसी दिन मेडिकल होता है ठीक है फ़िज़िकल की आपको डेट दी जा दी जाती है फिज़िकल टेस्ट में भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि फ़िज़िकल टेस्ट क्या होता है देन आपको आई एस एस बी फॉर्म दिए जाते हैं जिस दिन आपका फ़िज़िकल होता है और आपसे कहा जाता है टाइम पीरियड दिया जाता है कि दो या तीन दिन के अंदर अंदर ये आपने वापस से आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर ये सबमिट करवाने हैं और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स होती हैं उनको आईएसएसबी की कॉल आ जाती है ठीक है मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है और आईएसएसबी की उनको कॉल भी आ जाती है और उनको लेटर भी आ जाता है जो एड्रेस उन्होंने पुट किया होता है ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न टेस्ट ठीक है इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट में दो पोर्शन हैं एक है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपके सिर्फ एटी फोर एम सी क्यूज हैं और आपके थर्टी मिनट में आपने ये सॉल्व करना होता है नॉन वर्बल में सिक्सटी फोर एम सी क्यूज हैं थर्टी मिनट्स में सॉल्व करना है और देन आपका एकेडमिक टेस्ट आता है जैसे आपने देखा हो बॉयज़ के लिए जो एकेडमिक टेस्ट होता है जो एफ के बाद जाते हैं तो वो बिल्कुल जनरल होता है आपके लिए जो एकेडमिक टेस्ट होगा वो आपकी डिग्री से ही रिलेटेड होगा ठीक है डिग्री के ही एम आपसे पूछे जाएंगे इसके अलावा जब आप वो भी क्लियर कर लेते हैं देन आपका फॉर्म ले लिया जाएगा और आपको वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बिठा दिया जाएगा फिर फ़ीमेल मेडिकल डॉक्टर जो हैं वो आपको एग्जामिन करेंगी उसके बाद आपको मेडिकली फिट कर देंगे इनिशियल मेडिकल में देन आपको फॉर्म के ऊपर स्टैम्प लगा के आपकी जो डेट है फिज़िकल uh, की उस वो उस दिन आपको बुला लिया जाएगा ठीक है ग्राउंड में ठीक है देन हम बात कर लेते हैं कि आपके पास मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ठीक है थीके? वैसे तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगी मेडिकल टेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी भी वीडियोस बनाई हुई है मेडिकल टेस्ट के ऊपर आप वो भी मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकती हैं बट मैं इस दफा के मेडिकल टेस्ट के अंदर जो भी चेंजेस हुई हैं वो सब मैं आपको बताऊँगी सबसे पहले आपकी आईसाइट देखते हैं आपकी हाइट आपका वीट ठीक है उसके बाद आपकी जो है आ, ऐसे आर्म्स को देखते हैं ठीक है उसके बाद आपके फुट देखते हैं नी नॉकिंग देखते हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो कि देखते हैं वो तमाम मैं इन शाला कम्प्लीट आपको गाइड करूँगी हाँ एक ज़रूरी पॉइंट आपकी लेंथ के ऊपर मतलब हाइट के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा ठीक है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अच्छा उसके बाद जब मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को फिज़िकल टेस्ट की डेट दे दी जाती है जिसमें आपकी 1.6 किलोमीटर की रन है जो कि आपने 15 मिनट्स में कंप्लीट करनी है ठीक है अब वो कंप्लीट करने के बाद सब की ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है सिवाय एक या दो के सब की कम्प्लीट हो जाती है ये टाइम बहुत ज़्यादा है और आप अगर कंटीन्यूसली वॉक भी करेंगे ना तेज़ तेज़ तब भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 1.6 किलोमीटर ठीक है इसके बाद आपके पास वहीं पे आपको जो है वो दे दिए जाते हैं आईएसएसबी के फॉर्म ठीक है और आपको बता दिया जाता है कि इस डेट पे आपके आपने आके सबमिट करवाने हैं ठीक है थीके? अब शॉर्ट लिस्टड कैंडिडेट्स को फॉर्म दे दिया जाता है और उनको जो है और जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं ना कैंडिडेट्स फॉर्म फ़िल करवाने के बाद एक महीने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी जाती है साथ में उनको जो है वो घर पर एड्रेस के ऊपर आईएसएसबी का कॉल लेटर भी आ जाता है ठीक है देन फर्दर सिलेक्शन जो है वो आपकी सीएमएच पहले जो है वो आप लोगों का मेडिकल लिया जाता है मेडिकल लेने के बाद जो जी एच क्यू रावलपिंडी है वहाँ पर आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू होता है जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके बारे में भी मैं कंप्लीट गाइड करूँगी सब्जेक्ट के रिलेटेड भी होता है और जनरल भी होता है और जनरल में जो जो टॉपिक्स होते हैं वो सब मैं आपके साथ आगे वीडियोस में डिस्कस करूँगी ये पूरी एक सीरीज़ लेके कर चलूँगी जिसके अंदर मैं वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शंस और फिर सिलेक्शन प्रोसीजर तक आई का जितने भी पाँच दिन हैं उनकी रूटीन और आगे जाके सिलेक्शन प्रोसीजर तक सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ठीक है देन डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से रिक्वायर्ड होते हैं एक तो आपकी रोल नंबर स्लिप आपके पास मस्ट होने चाहिए औरिजिनल जो है वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ठीक है और टू उसकी एडेस्ट फोटो कापीज भी होने चाहिए फॉर ईच ठीक है उसके बाद कैंडिडेट अगर कोई कैंडिडेट है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सर्व कर रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास डोमिसाइल की नेशन, आ, नेशनल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास सिक्स आपके पास फोटोज़ होने चाहिए जो कि फ़्रंट एंड बैक से अटेस्टेड हों क्योंकि वो आपके फॉर्म पर भी लगाई जाती हैं ठीक है थीके? देन जो कैंडिडेट्स जिनकी डिग्री हैं जो अपनी डिग्री लेके आएंगे 16 सिक्सटीन ईयर्स की डिग्री उनकी डिग्री जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए एच या फिर पी से ठीक है उसके अलावा अच्छा इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे टेस्ट के दौरान सबसे पहले आपकी जो है वो स्लिप चेक की जाएगी उसके बाद आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे देन उसके बाद आपसे फ़ी ली जाएगी प्रोस्पेक्ट फ़ी जो कि थ्री हंड्रेड फ़ी है वो देने के बाद आपको टेस्ट के अंदर मतलब कंप्यूटर के ऊपर बिठा दिया जाएगा और आपको सबसे पहले गाइड भी किया जाएगा कि आपने किस तरह जो है अपना रोल नंबर पुट करना है किस तरह डिसिप्लिन देखना है हर एक चीज़ डिटेल में आपके साथ शेयर की जाएगी ठीक है उसके बाद जो फॉर्म सॉरी अच्छा जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए और उर्दू वाला भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं चलता ठीक है देन एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताती चलूँ कि सिक्स मंथ जो है वो आपकी ट्रेनिंग चलेगी वो भी पी एम ए में बॉन्ड एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया जाएगा सेवन ईयर्स का ठीक है इसके अलावा जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में उसके अंदर आप ये इंश्योर कीजिएगा कि आपने सारे पैराग्राफ्स कॉलम सब कुछ फ़िल किया है और अच्छी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी है ताकि जो भी अगर आप आईएसएसबी के लिए सिलेक्ट होती हैं तो आपके एड्रेस के ऊपर आईएसएसबी का कॉल लेटर पहुंच जाए इजीली ठीक है बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मजीद इफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़